हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स में। इसमें आपको इकोनॉमी का वीडियो दिया जा रहा है और इकोनॉमी की ये वीडियो प्री के क्रैश कोर्स के इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा हम करंट में काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं तो उस तरीके से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसका पूरा फायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फायदा हो। और प्लीज़ ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ऐसे इकोनॉमी के अंतर्गत हम अभी देख रहे थे, हमने देखा लास्ट वीडियो के अंतर्गत कि जो बैंकिंग के अंतर्गत RBI की मौद्रिक नीति है उसके बारे में जाना, फिर बैंकों के सिस्टम के बारे में जाना। अब बैंकों के उस सिस्टम के अंतर्गत बैंकों की एक आधार दर है, ब्याज दर, ब्याज की आधार दर है ना, ब्याज की आधार दर है, उसके बारे में देखते हैं। जिसको नरसिम्हन समिति ने बोला कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाला जो भी ऋण है, बैंक जिसको ऋण देते हैं वो ब्याज दर है, वो बाद ब्याज दर है वो बाज़ार पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि अगर मार्केट में आपको पता है किसी टाइम ब्याज महंगा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगी, अगर सस्ता हो रहा है तो घट जाएगी, तो वो एज ए फिक्स नहीं होनी चाहिए, मार्केट की आधार पर होनी चाहिए। और RBI समय समय पर इसे देखते हुए RBI ने बाद में समय समय पर ब्याज दरों को, विशेषकर न्यूनतम ब्याज दर, बेसिक ब्याज दर, उसको समय समय पर डिसाइड करने का एक फैसला दिया। सबसे पहले एक बेंचमार्क लेके आई थी जिसको बोला गया BPLR, बेंचमार्क प्राइस लैंडिंग रेट 2003 में इसको लेके आई थी। इसके अंतर्गत RBI ने बोला कि जो बैंकों से बोला कि आपका जो सबसे विश्वसनीय ग्राहक होगा उसको आप जिस दर पर ऋण देते हो वह ऋण आपकी आधार दर होगी, वह दर आपकी आधार दर होगी। यानी कि आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है उसको सबसे सस्ता ऋण मिलता है, कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है क्योंकि रिस्क वहाँ कम होती है। तो RBI, इसका मतलब RBI को पता था कि आप सबसे जो विश्वसनीय होगा उसको सबसे न्यून पर देंगे तो वो आपकी बेसिक रेट होगी वो। तो इसमें विश्वसनीय ग्राहकों की बात बोली थी कि जो आपका सबसे विश्वसनीय ग्राहक को जिस न्यूनतम दर पर आप ऋण देते हो वो न्यूनतम दर आपकी बेसिक रेट होगी। लेकिन आपको पता है कि हर बैंक का विश्वसनीय ग्राहक अलग अलग था और दूसरी बात इसकी कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, ठीक है ना। तो इसलिए RBI का ये पैमाना काम नहीं कर पाया क्योंकि SBI क्या बोलता था, SBI कोई मैनेजर है, SBI है वो, उसका कोई रिलेटिव आ गया उसको विश्वसनीय मान लेगा। जबकि नियम के अनुसार विश्वसनीय ये होता है कि जो समय पर ऋण चुकाता हो वो होता है विश्वसनीय ग्राहक। लेकिन इसमें आपको पता है कि इसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए अलग अलग बैंकों का विश्वसनीय ग्राहक अलग अलग था, तो अलग अलग बैंकों की जो ब्याज दर है वो बेसिक ब्याज दर अलग अलग थी, तो फिर बैंक मार्केट में चीज़ें ढंग से नहीं बन पा रही थी, इसलिए RBI ने इसको समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर 2010 में बेस रेट लेके आई थी। बेस रेट कुछ अलग नहीं था, इसमें दो पैमाने रख दिए थे इसने, बोला एक तो आपका सबसे विश्वसनीय ग्राहक और एक आपका सबसे ज़्यादा रिस्की ग्राहक। यानी कि एक ऐसा ग्राहक जहाँ से ऋण आने की संभावना बहुत कम रहती है तो उसको ऑब्वियसली आप ज़्यादा ब्याज पर ऋण दोगे, ज़्यादा ब्याज दर पर, और जो सबसे विश्वसनीय होगा उसको आप कम ब्याज दर पर देंगे। इन दोनों का एवरेज निकालो वो आपकी बेसिक रेट होगी, ये बात इसमें बोली बेसिक रेट 2010 में। लेकिन इसमें भी वही चीज़ ही कि वो कौन विश्वसनीय ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा रिस्की वाला होगा, इसमें भी कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए हर बैंक के लिए अलग अलग था और बैंक इसमें फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं थी, इसलिए इसको चेंज करते हुए RBI 2016 में MCLR लेके आई थी जिसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेसिक लैंडिंग रेट। इसमें RBI ने MCLR को एक उदाहरण में मौद्रिक नीति संचरण, आपने सुना होगा मौद्रिक नीति संशोधन का मतलब है कि अगर RBI ने मान लें बैंक दर घटाई है, RBI अगर बैंकों को सस्ता ऋण देती है तो RBI आशा करती है कि सस्ता ऋण ग्राहकों को भी मिले। तो अगर जितना ऋण RBI, जितनी दर RBI ने कम की है उतनी दर अगर बैंक कम कर देंगे तो उसको बोलेंगे पूर्ण मौद्रिक संशोधन, पूर्ण मौद्रिक संचरण। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करते, बैंक क्या घटाते बहुत धीरे धीरे और बढ़ाते बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो इसलिए RBI पूर्ण मौद्रिक नीति संचरण करने के उद्देश्य से MCLR को लेके आई थी। इसका निर्धारण कैसे हो गया ध्यान रखना, देखो बैंकों के पास उपलब्ध राशि की सीमांत लागत, यानी बैंकों के पास जो भी राशि है उसकी कॉस्ट, वो बैंकों की कॉस्ट के रूप में समझो। भाई बैंक अगर किसी व्यक्ति को ऋण देंगे तो बैंक उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए पहले इतना तो उसकी ब्याज दर डिसाइड करेंगे जिससे उसकी कॉस्ट निकल आए, उसके बाद 2-4% बढ़ा करके उसको न्यूनतम डिसाइड करेंगे ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए। तो बैंक अपने सबसे पहले अपनी कॉस्ट देखेंगे, तो बैंकों की सीमांत कॉस्ट, दूसरा बैंकों की ऑपरेशनल कॉस्ट, एंड बैंक आपको पता है सैलरी देना, अपनी जो भी बिल्डिंग है उनका खर्चा, वो बैंकों की कॉस्ट होगी, ऑपरेशन कॉस्ट। इसके अलावा CRR जो बैंक RBI के पास होती है वो भी बैंकों की तरह से कॉस्ट है, उसमें के लिए कोई काम नहीं आता। और दूसरी बात
दिए गए जाने वाले ऋणों की विभिन्न अवधि, अब अलग अलग टाइम के लिए, अगर कोई अल्पकाल के लिए रहा है, कोई दीर्घकाल के लिए रहा है, तो उन सबको बेस बनाते हुए MCLR है वो डिसाइड किया जाता था। और ध्यान रखना MCLR है, इसकी डिसाइडेशन तो बैंकों की उसके आधार पर होती थी, लेकिन इसका पूरी तरह जो समीक्षा है वो कौन करता था? RBI समय समय पर हर मंथली इसकी समीक्षा करता था कि कहीं MCLR को कोई मॉडिफाइड तो नहीं कर रहे, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो इसलिए वर्तमान में जो सबसे बेस रेट है वो MCLR चलती है, ठीक है ना। तो ये होती है MCLR जो इन चार मानकों के आधार पर डिसाइड होती है। हर बैंक के आप देख सकते हो ऑपरेशनल कॉस्ट अलग अलग हो सकती है, इसलिए हर बैंक की अलग अलग हो सकती है MCLR। इसके बाद मौद्रिक नीति सहमति मैंने बताई दी आपको पूरी कि 2016 में इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य था मुद्रा नीति को बैलेंस में लाना, और अगर ये मुद्रास्फीति के लाभों को मतलब लगातार उसके लक्ष्य को प्राप्ति करने में असफल रहती है तो इसको लिखित में सरकार को जवाब भी देना पड़ता है। इसके बाद आता है बेसल मानक। देखो बेसल मानक कुछ नहीं, बैंकों को विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा देते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था का आपने सिचुएशन देखी होगी, कभी अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है तो कभी मंदी की स्थिति है, कभी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या है, डूब जाते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था डूबी बैंक डूबे। अब ध्यान रखना अगर बैंक है वो अर्थव्यवस्था को रिकवर करने के साधन है, अगर वो खुद ही डूब गए तो अर्थव्यवस्था रिकवर नहीं हो पाती। इसलिए बैंकों को विभिन्न प्रकार की जोखिमों से बचाए रखने के लिए इनके कुछ मानक डिसाइड किए, उसे बोलते हैं बेसल मानक। और ये अलग अलग टाइम पर आए थे, बेसल फर्स्ट 1988 में आया था, बेसल सेकेंड 2004 में आया था, बेसल थर्ड 2011 में आया, जिसे भारत द्वारा 2019 में अपनाया गया था। भारत ने ध्यान रखना अलग अलग टाइम पर अपनाया भारत ने इसको, ये 1988 में आया था भारत इसको लगभग 2000 के समथिंग अपनाया, 2004 में आया था बेसल सेकंड, इसको 2011 में अपनाया था भारत ने, और बेसल थर्ड जो 2011 में आया था उसको भारत ने 2019 से अपनाना चालू किया है। तो बेसल संबंधी मानकों की घोषणा आपको बताएं, जो बैंक इंटरनेशनल सेटलमेंट है जिसमें विभिन्न देशों के मतलब बैंक जो शीर्ष बैंक होते हैं उनके गवर्नर इसमें आते हैं, और उन्हीं के द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसे बेसल समिति बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो बैठक है वो स्विस के बेसल शहर में हुई थी इसलिए। और ये बेसल मानक देती है, जैसे बेसल फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत इन्होंने मानक दिया कि बैंकों को अपना एक निश्चित CRAR रखना होगा। CRAR को बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, यानी कि बैंकों के टोटल असेट जो उनकी बिना रिस्क की असेट टोटल असेट और उसमें रिस्की असेट का अनुपात होता है उसको बोलते हैं CRAR। अब बैंकों की कौन कौन सी असेट है और कौन कौन सी उसकी रिस्की असेट है उसको देखते हैं। टीयर फर्स्ट के अंतर्गत बैंकों की खुद की परिसंपत्ति होती है, ठीक है, जो उनके शेयर है यानी कि चुकता पूंजी है बैंकों के द्वारा घोषित संपत्ति हो, और बैंकों के पास अपनी जो SLR जमा होती है वो बैंकों की खुद की पूंजी होती है। टीयर टू है सेकंड है, इसमें बैंकों की कुछ पूरक संपत्ति जो बैंकों के द्वारा ज़्यादा उनको डिक्लेयर नहीं किया जाता वो आती है। और टीयर 3 में बैंकों की रिस्क की संपत्ति, जैसे बैंक किसी को ऋण देते हैं या बैंकों की मान लें प्रचलन में अगर मान लें बैंक में आग लग गई या साइबर अटैक हो गया, या बाजार जोखिम का मतलब है बैंकों की अगर मान लें मुद्रा दर या ब्याज दर अप डाउन हो गई तो बैंकों को उसमें नुकसान उठाना पड़ता है, तो ये होती है टीयर 3 इनकी रिस्क की। तो टीयर 3 है उसको टीयर 1 और टीयर 2 तो हो गई इनकी पूंजी की उपलब्धता, और रिस्की हो गई टीयर 3, इसका जो अनुपात है उसको बोलते हैं कैपिटल रिस्क वेटेड असेट रेशियो, यानी कि इसमें ये कहा गया कि आप ये रिस्क की जो है एक निश्चित अनुपात तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप ये रिस्क की ज़्यादा है डूब गई तो फिर आपका बैंक ही डूब जाएगा। तो इसके लिए बेसल सेकंड में ये मानक आया था। बेसल थर्ड में एक नया मानक और दे दिया, वो नया मानक ये था कि देखो आपको पता है कि अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय स्थिति चलती रही, कभी अर्थव्यवस्था अप जाती है कभी डाउन में चली जाती है, अब गई है तो बैंकों की स्थिति ठीक चलेगी, डाउन गई तो बैंक डूब जाएंगे। तो इस बेसल 3 के अंतर्गत इनसे बोला गया कि एक काउंटर साइकिल कैपिटल बफर रखा जाए, यानी कि मान लें आपके पास क्या है कि इतना बफर एक्स्ट्रा होना चाहिए कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति जाए तो उस स्थिति में अपने आप को बचा रखें और उस बफर का यूज कर सकूँ। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि टोटल आपका जो NDTL है उसका 2% है आप इसमें रखो काउंटर साइकिल कैपिटल बफर में, जो आपको चक्रीय स्थिति में अगर दिक्कत खड़ी कर रहा है इकोनॉमी के अंतर्गत तो उससे निपटने में आपको क्या दे सके, सहायता दे सके, आपको डूबने से बचा सके। तो वो है CCCB। तो अगर आपसे देखा जाए तो इसको ध्यान रखना, कहीं पूछ सकते हैं इसको। इसके बाद एक होता है आपने सुना होगा ग्लोबली GSIB, जिसे बोलते हैं ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। इसके अंतर्गत 2011 की जो बेसल सूची है उसमें इन बैंकों की सूची जारी की जाती है। ये बैंक है इतने बड़े होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को पूरी तरह इफेक्ट करते हैं, और इनकी वजह से अगर इनमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है
तो पूरा मार्केट में दिक्कत आ जाती है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो शक्तिशाली बैंक हैं बहुत ज़्यादा, उनको बोलते हैं, उनको बेसल है वो उनको क्या देती है, ये GSIB का एक टैग दे देती है। और GSIB का टैग दिया जाता है अगर किसी बैंक को, इसका मतलब बैंक बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हेल्थफुल है, यानी कि उसकी स्थिति मजबूत है। और अगर उसको किसी प्रकार को दिक्कत आ गई तो उससे वैश्विक इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टू वे टू टेल। इसी प्रकार ये तो ग्लोबल लेवल पर था, इसी प्रकार RBI ने अपने डोमेस्टिक लेवल पर एक इसी प्रकार का मापक चलाया था, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, यानी कि वो बैंक जो भारतीय डोमेस्टिक मार्केट में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और अगर उनमें किसी प्रकार गड़बड़ी हो जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था दिक्कत में आ जाती है, तो उन बैंकों की सूची RBI द्वारा जारी की जाती है। इसमें RBI ने SBI, ICICI और HDFC को रखा है। तो ये इतने बहुत ज़्यादा बड़े विशाल होते हैं मार्केट में, बड़ी इकोनॉमी इन पर डिपेंड होती है, मार्केट का बड़ा हिस्सा इन पर डिपेंड रहता है, उनको बोलते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। अगर ग्लोबल लेवल पे तो ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, अगर डोमेस्टिक लेवल पे उसको बोलेंगे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इसके बाद यूनिवर्सल बैंक, वो बैंक जो सारे काम करते हो, जैसे म्यूचुअल फंड भी करते हैं, हाउसिंग बैंक के रूप में काम करते हैं, मर्चेंट बैंक के रूप में भी काम करते हैं, और आजकल पता है आपको पता है सारे बैंक है ये सब काम करते हैं, SBI की म्यूचुअल फंड भी होती है, SBI का हाउसिंग बैंक भी होता है, सब काम करते हैं इसलिए। इसके बाद आपको बताया नैरो बैंकिंग, नरसिम्हन समिति की सिफारिश के बाद इसको इस प्रोविजन को लेकर आए थे, जिसमें ये रखा था कि ये वो बैंक है नैरो बैंक जो शून्य जोखिम वाले क्षेत्रों में निवेश करते हैं, और शून्य जोखिम किस में होती है, सरकारी प्रतिभूतियों में। आपको बताया सरकारी प्रतिभूतियों में कोई जोखिम नहीं होती, क्योंकि सरकार है डूबेगी तो भी आपको उनका वापस पैसा देगी। इसके बाद थोड़ा सा बैंकों के बारे में डिटेल है, कॉमर्शियल बैंक है मुद्दों पर, वो RBI एक्ट की धारा के अंतर्गत रेगुलेटिंग होते हैं और शेड्यूल भी होते हैं, गैर शेड्यूल, शेड्यूल बैंक जो RBI की एक्ट की धारा के सेक्शन 2 में रजिस्टर्ड शेड्यूल्ड है उनको शेड्यूल बैंक बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है RRB, जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। RRB आपको पता है, RRB एक नरसिम्हन समिति की रिकमेंडेशन, ये नरसिम्हन ग्रुप ऑफ नरसिम्हन समिति की रिकमेंडेशन आई थी 1975-76 के अंदर, उसकी रिकमेंडेशन के बाद RRB एक्ट लाया गया था, उसके अंतर्गत RRB बैंक है बनाए गए थे। इसमें आपको बताया एक संयुक्त उद्यम है जिसमें 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है, 15% इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है, और 35% कोई भी स्पॉन्सर बैंक हो सकता है, चाहे वो SBI हो सकता है, ICICI हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दूसरी बात, इनको भी CRR रखना पड़ता है, इनको भी SLR रखना पड़ता है, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत 75% क्या देंगे, ऋण देंगे, ठीक है ना। और जो मैंने बताया सीमांत जो स्थाई जो फैसिलिटीज है जिसके अंतर्गत ये मतलब SLR के माध्यम से पैसा रख करके ऋण ले सकते हैं, वो फैसिलिटीज इनको उपलब्ध नहीं होती। दूसरा आता है, आपको बताया इनमें थोड़ी सी कमी थी, बाद में 2014 में इनको संशोधन किया गया था, तो संशोधन में ये प्रोविज़न रखा गया था कि सबसे पहले तो इनको विलय कर दिया जाएगा ताकि इनकी क्षमता बढ़ जाए। दूसरा ये था कि इसमें ये नियम कर दिया कि केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रायोजित बैंक उनकी स्थिति किसी भी स्थिति में उनकी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बैंक है उनकी हिस्सेदारी भी 15% से कम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई बैंक ऐसे 15% से हिस्सेदारी कम करता है तो उसको कारण बताना होगा। और साथ ही RRB की सभी प्रकार की अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास, लेकिन ऐसा करते टाइम वो राज्यों को भी इन्फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये RRB का हो गया। इसके बाद आते हैं प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर क्या होते हैं बताऊँ? देखो, प्राइमरी डीलर मुख्य रूप से जो RBI द्वारा कुछ लोगों को लाइसेंस दे दिया जाता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो आपको बेचनी है, खरीद दे, वैसे तो RBI करती है, लेकिन कुछ स्पेशल लोगों को क्या करती है, सरकारी प्रतिभूति और रजिस्टर्ड जो बॉन्ड होते हैं उनको बेचने और ख़रीदने का काम इनको सौंप देती है, उन संस्थाओं को बोलते हैं प्राइमरी डीलर। और 1995 में ये प्रोविज़न आया था। इसके बाद ये विभिन्न प्रकार के बैंक हैं, इनको भी पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो एक्जिम बैंक, जिसे बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है, और इस पर 100% कंट्रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और उसी का इसका ओनरशिप है, और इसका उद्देश्य है कि जो आयात निर्यातक होते हैं उनको बेहतर आर्थिक क्रियाकलापों के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, टूल्स मशीनरी, उनके लिए ऋण प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद नाबार्ड, आपको पता है 1982 में आया था, इसका मुख्यालय है मुंबई में है, और इस पर जो कंट्रोल है वो 99.4% तो इस पर भारत सरकार का था,
और थोड़ा बहुत आरबीआई का था, लेकिन हाल फिलहाल में आरबीआई ने भी भारत सरकार को बेच दिया इसमें हिस्सेदारी, तो इसमें सरकार की हिस्सेदारी है। और ये ग्रामीण और कृषि विकास के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाता है। इसके बाद आ गया नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक है ये, उनकी इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 100% इस पर कंट्रोल है वो आरबीआई का है। और इसमें यह है नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत गरीबों और निर्धनों के लिए सस्ती लागत पर आवास प्रोवाइड करवाने के लिए ये देता है, क्या रेंट देता है। इसके बाद हो गया सिडबी, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भागीदार बैंक और भी है इसमें शामिल, जिसमें SBI की भी हिस्सेदारी है, LIC की हिस्सेदारी है और IDBI की हिस्सेदारी है, जो मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों के लिए, उनकी औद्योगिक इकाइयों के लिए ये ऋण प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी एक्ट 2003 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये डायरेक्ट ग्राहकों से मांग नहीं लेती, बल्कि ये शेयर बाजार में निवेश करती है। और अगर इनका रुपया शेयर मार्केट किसी प्रकार से डूब जाए, क्योंकि ग्राहकों से ऋण नहीं लेती, इसलिए सरपासी एक्ट के अंतर्गत इनको शक्ति प्राप्त नहीं होती। इनको SLR, CRR, MSF कोई नहीं रखना पड़ता, क्योंकि ये जमाएँ नहीं रखती अपने पास। ये जमा स्वीकार नहीं कर सकती, नहीं कोई चेक इशू कर सकती है, नहीं किसी प्रकार का ऋण मतलब डायरेक्ट ग्राहकों को दे सकती है, वो फैसिलिटीज इसके पास नहीं होती। म्यूचुअल फंड, तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि देखो, एक तो आपको खुद को पैसा जमा कराना है, मतलब मैं मान लेता है कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में रुपये जमा कराए, मतलब शेयर मार्केट में रुपये लगाएं, तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअली वो किसी एक कंपनी में लगाएगा, दो कंपनी में लगाएगा। लेकिन चूंकि आपकी शेयर के बारे में जानकारी कम है, शेयर मार्केट के बारे में, और आपने किसी एक ही कंपनी में लगाया है, दो कंपनी में लगाया है, तो उसमें क्या रिस्क ज़्यादा रहती है। अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका मार्केट में पैसा डूब गया। तो इसलिए म्यूचुअल फंड की कंपनी क्या होती है, म्यूचुअल कंपनी होती है। वो क्या करेगी, जैसे ये कंपनी म्यूचुअल फंड की, अब आप क्या करते हो, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो, तो आप इस कंपनी में जाकर के निवेश कर दोगे, और ये कंपनी फिर अलग अलग कंपनियों में, जो लिस्टेड कंपनी होती है शेयर मार्केट में, उनमें सब में एक निश्चित मात्रा में ये क्या करती है, निवेश कर देती है, और उसका रिटर्न के रूप में आपको वापस देती है। ये अपना कुछ हिस्सा डिस्काउंट के रूप में, कमीशन के रूप में अपने पास रख लेती है, उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड की कंपनी। इसमें क्या, थोड़ी सी निवेश करने में रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद आती है बीमा कंपनी, तो आपको पता है तो बीमा कंपनी होती है। इनको इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक है जो मुख्य रूप से अगर कोई कंपनी का मर्जिंग करना हो, उसका अधिग्रहण करना हो, या उसकी संपत्ति को मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए कुछ विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ, तो ये मुख्य रूप से छोटे इंस्टीट्यूट, मतलब छोटे वित्तीय संस्थान होते हैं, जो गरीबों को ऋण देते हैं बिना किसी जमानत पे। और चूंकि इसमें ऋण की राशि मैक्सिमम 50 करोड़ ही हो सकती है, और इसलिए ध्यान रखना इसमें जमानत मतलब आपसे किसी प्रकार का कोई संपार्श्विक नहीं लेते, तो इसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है, और रिस्क ज़्यादा होने की वजह से इसकी ब्याज दर भी ज़्यादा होती है। अगर कोई इसको स्थापित करना चाहता है, तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ वो इसको स्टार्ट कर सकता है। 5 करोड़ रुपये लगा करके वो स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसको स्थापित कर सकता है। इसके बाद आते हैं हम, अभी तक तो हमने जो देखा वो हमारी राजकोषीय मतलब बजट ही उसका हिस्सा था, इसका मौद्रिक नीति का हिस्सा। अब हम देखेंगे बजट का हिस्सा, बजट। और बजट आपको पता है क्या होता है, तो बजट आर्टिकल 112 के अंतर्गत सरकार का आय व्यय का लेखा जोखा होता है। इसमें आपको जो चीज़ जहाँ से सवाल आने की संभावना रहती है, वो आपको ध्यान रखनी है प्री के हिसाब से। बजट के अंतर्गत हम दो चीज़ों को देखेंगे जहाँ से प्री के सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत दो चीज़ होती है, आय और व्यय। आय का मतलब सरकार की प्राप्ति, और व्यय का मतलब सरकार के खर्च, उनका विवरण ही बजट होता है। तो इसमें आपको दो शब्द समझना है, एक तो राजस्व और एक होता है पूंजीगत। राजस्व आय और व्यय। अब आय हुई है तो आपका मतलब कुछ न कुछ चीज़ जानी चाहिए, या कोई परिसंपत्ति कम होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, राजस्व में प्राप्ति है वो प्राप्तियाँ होंगी जिनको सरकार को मिलने पर नहीं तो सरकार के उत्तरदायित्व पड़ेंगे और नहीं सरकार की परिसंपत्तियाँ कम होंगी। तो वो प्राप्तियाँ सरकार की, मतलब जिनको सरकार को कुछ नहीं जाएगा, फ्री में मिलेंगी, मतलब सरकार को मिलेंगी, उनको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। और राजस्व व्यय होता है जिनको सरकार खर्च करने से सरकार का नहीं तो उत्तरदायित्व कम होता है, नहीं सरकार की परिसंपत्ति बढ़ी है, यानी कि उसमें सरकार को कुछ नहीं मिलता। वो सारे व्यय क्या होते हैं, राजस्व व्यय होते हैं। जैसे
अगर आप एग्जांपल देखो इनकम टैक्स है, अब मिल गया तो इसके बदले वो टैक्स पेयर को कुछ नहीं देती सरकार, मतलब ऐसा नहीं कि उसको कुछ देगी सरकार या सरकार कुछ बिकेगा या खर्च होगा, ठीक है ना। तो जितना भी राजस्व के अंतर्गत होगा तो कर प्राप्तियाँ और गैर कर प्राप्तियाँ, गैर कर प्राप्ति के अंतर्गत देखा होगा लाभ, पीएसयू के लाभ, दान, उपहार, जुर्माना, शुल्क हो गए। और पूंजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ होती है जिनको मिलने से सरकार के या तो उत्तरदायित्व कम होंगे या सरकार की परिसंपत्तियाँ, सॉरी उत्तरदायित्व बढ़ेंगे या सरकार की परिसंपत्तियाँ कम होंगी। जैसे अगर एग्जांपल देखें, जैसे अगर सरकार ने मान लें ऋण लिया है, तो ऋण लिया है तो सरकार की प्राप्ति होगी पूंजीगत प्राप्ति, तो उससे ऋण लिया है सरकार क्या बढ़ गया, लायबिलिटी, उत्तरदायित्व बढ़ गए। और दूसरी भी गैर ऋण प्राप्तियाँ कौन सी होती है, जिसमें सरकार बेचेगी, जैसे बी निवेश, तो ये भी सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है लेकिन बी निवेश से क्या हुआ, सरकार की परिसंपत्ति कम हुई। तो ये वाली शर्त इस पर लागू हो जाएगी इस पर पूंजीगत प्राप्तियों पर, कि अगर सरकार को मिल रहा है तो उसे सरकार की या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या सरकार की परिसंपत्ति कम होगी, तो ऋण से सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है और अगर डिसइन्वेस्टमेंट करती है सरकार की परिसंपत्ति कम हो जाती है। दूसरा आता है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय यानी व्यय से व्यय जिनको सरकार अगर खर्च करती है तो उनसे सरकार की या तो लायबिलिटी कम होती है या सरकार की परिसंपत्तियाँ बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऋण है, सरकार अगर ऋण चुकाती है तो ऋण चुकाने से सरकार की क्या होती है, लायबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए हो गया पूंजीगत व्यय। लेकिन ध्यान रखना, ऋण पर अगर ब्याज दे रही है तो ब्याज से लायबिलिटी कम नहीं हो रही, क्योंकि ऋण चुकाएगा तब जाके लायबिलिटी कम होगी, ब्याज तो आपको वैसे चुकाना ही पड़ेगा। तो ब्याज आता है आपकी राजस्व व्यय में क्योंकि उससे लायबिलिटी कम नहीं होती, जबकि ऋण चुकाना आता है आपके पूंजीगत व्यय के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इनसे आपको देखो और याद नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई भी चीज़ आपसे पूछिए, जैसे मान लें अगर सरकार ने विदेशों में भारत में ऋण चुका दिया तो वो सरकार की क्या हो गई, तो हो गई सरकार का पूंजीगत व्यय। अगर सरकार ने विदेश से ऋण लिया है तो सरकार का पूंजीगत प्राप्ति होगी। तो इससे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों से, ये एक इनकी नॉर्मल परिभाषा होती है। इसके बाद जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में इनकी परिभाषा को और ज़्यादा डिफाइन किया गया था, व्यय की परिभाषा को। उसके अंतर्गत बोला गया था कि किसी प्रोजेक्ट में अगर वो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जब तक वो बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो ऑपरेशनल नहीं हुआ, यानी कि उसमें सेवा में नहीं आया, तब तक उसमें जो भी खर्चा किया जाएगा वो सब पूंजीगत खर्चा होगा। क्योंकि ध्यान रखना, जैसे कोई सड़क है, ये सड़क बनी और सड़क बनने में जितना भी पैसा लगा है उसको बोलेंगे उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यदि अब सड़क चालू हो गई, इससे टोल टैक्स मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद इसके मेंटेनेंस में जो खर्चा होगा वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कुल मिलाकर की बात वहीं आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है इसका मतलब आपकी कोई पूंजी क्रिएट होनी चाहिए। तो पूंजी क्रिएट हो गई जब कोई नई पूंजी बनाओगे या नई चीज़ें बनाओगे, आप अवसंरचना डेवलप करोगे, तो अवसंरचना डेवलप करने के दौरान अगर आपका खर्च हो रहा है तो पूंजीगत व्यय होगा, या उसको मेंटेन करने पर खर्च हो रहा है तो वो आपका राजस्व व्यय आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है बजट। तो बजट आपको पता है, बजट में अगर देखें तो व्यय और एक्सपेंडिचर होता है। अगर सरकार का व्यय ज़्यादा है तो बजट घाटा हो जाएगा, अगर सरकार की प्राप्ति ज़्यादा है तो सरकार का आपको पता है बजट अधिशेष हो जाएगा, और दोनों बराबर है तो सरकार का बजट बराबर रह जाएगा। तो ये आपको पता है कि देखो सरकार, आपको पता है 100 रुपये है, सरकार ने 100 रुपये खर्च कर दिए और सरकार को मिली प्राप्ति 80 रुपये, तो सरकार का 20 रुपये हो गई हानि, ठीक है ना। तो 20 रुपये का सरकार क्या करती, कहीं कहीं से उधार लेगी। तो देखो उधार लेगी तो उधार को किस में जोड़ेगी सरकार, पूंजीगत प्राप्तियों में। तो पूंजीगत प्राप्ति खुद बजट का एक हिस्सा है, तो बोला 20 जब उसमें जुड़ जाएगा तो फिर बजट घाटे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बजट घाटे को सरकार ने समाप्त कर दिया। अब बजट घाटे को सरकार कोई प्रोविजन नहीं मानती, बल्कि सरकार उस घाटे को अब एक फिजिकल घाटा है उसको मानती ज़्यादा। लेकिन ध्यान रखना, बजट घाटे की अगर परिभाषा है तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। इसके बाद आपको दो चीज़ ध्यान रखनी, हाँ होता बजट के अंतर्गत दो चीज़ होती है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत दो चीज़ होती है, प्राइमरी एक्सपेंडिचर और सेकेंडरी एक्सपेंडिचर। प्राइमरी एक्सपेंडिचर इसी प्रकार टोटल रिसीव्ट के अंतर्गत होगी, एक तो होगी प्राइमरी रिसीव्ट और होगी सेकेंडरी रिसीव्ट। अब आप बताओ, अगर आपके पास सबसे पहले अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो वो आपकी सबसे पहले कौन सी रिसीप्टों का आप यूज करोगे, सबसे पहले जो आपके पास खुद की है उसको बोलेंगे प्राइमरी रिसीप्ट। और दूसरी जब आपके पास मतलब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ब्याज से जो ऋण मार्केट से ऋण उधार लेंगे वो होगी कौन सी, सेकेंडरी रिसीप्ट। तो मार्केट से बोरिंग होती है और सेकेंडरी रिसीप्ट होती है। और मार्केट बोरिंग भी दो प्रकार की होगी, ग्रॉस मार्केट बोरिंग और नेट मार्केट बोरिंग। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से रुपये उधार लिए, मान लें 10 रुपये उधार ले लिए,
लेकिन ए व्यक्ति से 10-20 व्यक्ति से रुपये उधार लेने गया वहीं उससे, तो उस दौरान उसका 1 रुपये खर्च होगा। तो उधार तो उसने 10 लिए, ये तो उसकी ग्रॉस उधारी होगी, लेकिन 1 रुपये लेने के दौरान उसका खर्च हो गया, तो इसकी नेट उधारी कितनी होगी? 9 रुपये। तो इसी प्रकार सरकार जब मार्केट से उधार लेती है तो उधार लेने की प्रोसेस में सरकार का खर्चा आता है, उसको घटा करके उधारी बचेगा उसको बोलेंगे नेट मार्केट बोरोइंग। तो ये नेट मार्केट बोरोइंग होगी सेकेंडरी सरकार की रिसीप्ट होगी। अब देखो खर्चा, तो सरकार पहले खर्च करेगी, तो आपको पता है पहले सरकार की खुद के खर्चे पर खर्च करेगी, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी एक्सपेंडिचर। और सेकेंडरी एक्सपेंडिचर जो सरकार ब्याज चुकाएगी, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट चुका देगी, उसके बाद जो बचेगा सरकार का वो आएगा उसका प्राइमरी एक्सपेंडिचर। अब देखो इसको कैसे देखना है, अगर आपको पूछा है कोई के प्राथमिक घाटा कैसे कहते हैं, तो प्राथमिक घाटे का नॉर्मल मतलब क्या होता है कि भाई प्राइमरी एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो उसको घटा देते हैं किस में से, प्राइमरी रिसीप्ट में से। ठीक है, ये हो गया। अब प्राइमरी एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं प्राइमरी रिसीप्ट में से, तो हो गया बजटीय घाटा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्राइमरी रिसीप्ट की, तो प्राइमरी रिसीप्ट क्या हो गई? प्राइमरी रिसीप्ट हो गई टोटल रिसीप्ट में से अगर मैं सेकेंडरी रिसीप्ट घटा दूँ तो वो क्या हो गई? प्राइमरी रिसीप्ट। ये हो गई प्राइमरी रिसीप्ट। इसको अगर PR बराबर TR माइनस SR है, अब इसको मैं रख दूँ यहाँ, तो प्राइमरी एक्सपेंडिचर में से अगर ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह रख जाऊँगा ये हो जाएगा TR माइनस का और ये हो गया प्लस का SR। तो इस आधार पर अगर मैं देखूँ एक्सपेंडिचर को, तो प्राथमिक घाटे का जो एक्सपेंडिचर, अगर नॉर्मल इतना फॉर्मूले में आप जाओ मत, नॉर्मल ध्यान रखना, अगर आप राजकोषीय घाटे में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे तो वो आपका प्राइमरी घाटा बचेगा। ये राजकोषीय घाटा है, इसमें अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट घटा दिया तो ये आपका राजकोषीय घाटा, मतलब ये प्राथमिक घाटा हो गया। ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा का मतलब है आपका जो प्राइमरी रिसीप्ट है, ठीक है ना, प्राइमरी रिसीप्ट में से जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस प्राइमरी रिसीप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर से अगर प्राइमरी रिसीप्ट घटा देंगे तो वो जो मार्केट बोरोइंग बचेगी वो आपका राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा है वो एक तरह से मार्केट बोरोइंग ही होती है, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिशिएट है, वो एक तरह से मार्केट बोरोइंग होती है। और प्राथमिक घाटा है अगर फिस्कल डेफिशिएट में से अगर मैं उसको घटा दूँ किसको, इंटरेस्ट पेमेंट को, तो प्राथमिक घाटा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी। इसके बाद होता है बेज एंड मीन्स मॉडल। जब सरकार का घाटा होता है तो उस घाटे को कंप्लीट करने के लिए सरकार क्या होती है कि बेज एंड मीन्स के माध्यम से उसकी पूर्ति करती है। इसके माध्यम से क्या होता है कि सरकार है वो RBI से वित्त की पूर्ति करती है जो घाटे की। अब RBI दो तरह से इसमें करती है। RBI क्या करती है, इसके दौरान 75% तो सरकार को दे देगी और 25% है वो सरकार से क्या लेगी, मतलब सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करके सरकार को देगी। ये 75% है सरकार का ही पैसा है जिसको दे देगी निकाल करके। और अगर मान लें सरकार का 100 रुपये है और सरकार ज़रूरत पड़ी 120 रुपये की, तो सरकार को इसमें से ओवरड्राफ्ट निकालने की भी अनुमति होती है, लेकिन ओवरड्राफ्ट पर उसको एक्स्ट्रा पैसा ब्याज है वो देना पड़ेगा। और ये काम स्टेट भी कर सकता है और सेंटर भी कर सकता है। और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जिनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल 10 दिन के लिए मिलती है और स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन के लिए मिलती है, लेकिन इसको एडिशनल इनको क्या देना पड़ता है, ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। इसके बाद आपको पता है राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व प्राप्ति, राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अगर राजस्व प्राप्तियाँ कम हो, घटा दी जाए, तो क्या होगा, राजस्व घाटा। तो ये चीज़ थी। इसके बाद सरकार, आपको पता है विकासशील देश है उनमें घाटा तो होना एक सही बात है, घाटा होता है उसमें। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है विकासशील देश है उनको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि निवेश करना पड़ता है, वहाँ के लोगों की ज़रूरतें भी ज़्यादा होती हैं, तो इनका एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होता है किससे, रेवेन्यू से, इसलिए बजट ये घाटा होता है। लेकिन ये बजट घाटा एक निश्चित मेंटेनेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपका घाटा बहुत ज़्यादा है तो फिर सरकार पे दुनिया का, मतलब निवेशकों का ट्रस्ट कम हो जाएगा, सरकार मतलब यहाँ देश की अर्थव्यवस्था की जो मजबूती है कमज़ोर हो जाएगी, निवेशक निवेश नहीं करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए आपको घाटे को एक निश्चित सीमा तक क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो भारत में पहले इसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। उसके बाद 2003 में FRBM एक्ट को लेके आए थे, यानी कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटीय मैनेजमेंट एक्ट 2003 इसको लेके आए, जिसके अंतर्गत फिस्कल मैनेजमेंट को
मतलब मेंटेनेंस करने की बात की गई थी कि ऐसा मतलब आपको बजट खाता है उसको इतने परसेंट पे लाना है। इसने समय समय पर अपने टारगेट दिए लेकिन उस टारगेट कभी अचीव नहीं हुए। लेकिन इसे है ना, तो इतना ही ध्यान रखना ये FRBM एक्ट है जो मुख्य रूप से काम करता है, क्योंकि ये टारगेट अब सब फेल हो गए कोरोना के टाइम पे, इसलिए इनका ज़्यादा कोई काम है नहीं। इसके बाद होता है एक प्रभावी राजस्व घाटा। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को अनुदान में देती है या स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट को दिया, किसी स्टेट ने अगर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया तो उसे इसमें से घटा दिया जाएगा, उसके बाद जो घाटा होगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो सरकार केंद्र सरकार घाटा क्या होगा, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड, तो इससे रेवेन्यू घाटा होगा। अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसने किया, उसने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, उसमें से अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया उस अनुदान को, तो उसको घटा देंगे क्यों फिर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भाग ही नहीं बचेगा, तो उसको हटा देंगे। उसके बाद जो रेवेन्यू घाटा रहेगा वो होगा प्रभावी रेवेन्यू घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। 2016 में NK सिंह ने फिर रिकमेंडेशन दी, लेकिन ये सारी रिकमेंडेशन अभी फेल हो गई, कोई सी अभी लागू नहीं हो रही, क्योंकि कोरोना के टाइम पर इनका कोई इफेक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद इसी NK सिंह समिति ने एक रिकमेंडेशन दी कि भाई जो सरकारें ऋण लेती है या ऐसी चीज़ें करती है, इसका क्या है कि सरकार को क्या होता है कि इसमें RBI पे डिपेंड रहना पड़ता है, और RBI के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं, इसलिए इसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए। तो फिर पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी की है, वो मुख्य रूप से सरकार के ऋण जैसी व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी लेगी। लेकिन अभी तक इसकी स्थापना नहीं की गई है, अभी तक एक है एक क्या है RBI के अंतर्गत ही ऋण प्रबंधन जो मैनेजमेंट सेल है उसका गठन किया गया है, जिसकी भूमिका अभी सलाहकारी है, और कुल मिलाकर के अभी सारे काम है सरकार के ऋण को, सरकार को बस मतलब ऋण देने की समस्त कार्य अभी भी RBI के द्वारा किए जाते हैं, और RBI को ही वैधानिक उसका अधिकार है। रीज़न क्या था कि अगर इस सेल गठित अगर एजेंसी गठित हो जाती तो RBI इसमें कई मामलों पर टकराहट होती, इसलिए इसको गठित नहीं किया गया। इसके बाद मैंने बताया दिया प्राइमरी घाटे का मतलब क्या है, तो प्राइमरी एक्सपेंडिचर माइनस प्राइमरी ये हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे तो इस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि राजकोषीय घाटे में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे तो आपका प्राथमिक घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बजट की प्रमुख शब्दावली थी, प्रमुख चीज़ें थी। आपको सबसे चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि रेवेन्यू रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर रिसीव्ड क्या, मतलब रेवेन्यू रिसीव्ड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और ये सवाल क्या वहाँ सवाल आएंगे स्टेटमेंट, तो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, तब जाके आप करवाओगे। तो आपको उसके लिए समझने के लिए आपको दो चीज़ समझनी है, उत्तरदायित्व और परिसंपत्तियाँ, किस में कम होती है किस में ज़्यादा होती है और किस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके आधार पर इनकी डेफिनेशन को देखते हुए आप कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको दिया है तो उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार ने मान लें जैसे कोयले की खदान बेची है, या सरकार ने मान लें रेलगाड़ी में प्राइवेटाइजेशन किया है। अब रेलगाड़ी में सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया है तो सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची होगी, तो सरकार की हिस्सेदारी कही है, इसका मतलब परिसंपत्तियाँ क्या हुई, सरकार की कम हुई है। तो परिसंपत्तियाँ कम होने से सरकार को जो रिसिप्ट प्राप्त होती है वो क्या होगी, सरकार की पूंजीगत रिसिप्ट। तो इस तरीके से आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। इसके बाद इसमें अब ज़्यादा कोई चीज़ बची नहीं, टैक्स पे आते हैं। अगर थोड़ा टैक्स आपको पता है एक अनिवार्य भुगतान होता है जो व्यक्ति या संस्था को देना पड़ता है, और जिसके बदले में कोई आस नहीं की जा सकती सरकार से, वो सरकार खुद वॉलंटरी कोई काम कर सकती है वो अलग बात है, लेकिन ये कंपलसरी देना पड़ता है। कर की प्रणाली देखें तो कर तीन प्रकार की प्रणाली आप कर को वसूलने के लिए कर सकते हो। एक होती है प्रतिगामी, प्रतिगामी मतलब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आपकी टैक्स रेट घटती जाएगी, जैसे पहले होता था, पहले ज़्यादा अमीर वालों को कम टैक्स देना पड़ता था, गरीब को ज़्यादा देना पड़ता था। आनुपातक में है कि आपकी इनकम घट बढ़ कोई लेन देन नहीं है, टैक्स रेट सबके लिए बराबर रहेगी, ठीक है ना। और प्रगतिशील में है कि जैसे जैसे आपकी टैक्स रेट बढ़ती जाएगी उसी आधार पर आपका जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उसी आधार पर आपकी टैक्स रेट बढ़ती जाएगी, टैक्स रेट बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम जैसे भारत में देखें 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है, 5 से 10 के बीच में आपको 10% देना है, 10 से 20 के बीच में आपको 20% देना है। तो अगर आपकी 20 लाख इनकम है तो आपको टैक्स परसेंट ज़्यादा हो जाएगा,
तो उसे बोलते हैं प्रगतिशील टैक्स। और ध्यान रखना, समानता स्थापित करनी है अगर इकोनॉमी के अंतर्गत, तो ये टैक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा अमीर से ज़्यादा लो, गरीब से कम लो, तो समानता स्थापित हो जाएगी। इन दोनों से समानता स्थापित, प्रगति प्रतिगामी से तो बहुत ज़्यादा विषमता फैलती है, और आनुपातिक से समानता स्थापित नहीं होती। तो इसलिए एक इकोनॉमी में समावेशी विकास करना है, समानता की स्थापना करनी है थोड़ी बहुत, और अमीर गरीब के बीच में दूरी कम करनी है, तो वहाँ पर प्रगतिशील टैक्स सिस्टम अपनाया जाता है। इसके बाद लॉफर वक्र को आपने सुना होगा। लॉफर वक्र है वो टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेट के बीच में संबंध दिखाता है। लॉफर ने क्या कहा कि यदि आप टैक्स रेट बढ़ाओगे तो टैक्स बढ़ी हुई रेट के कारण आपका रेवेन्यू एक टाइम तक बढ़ जाएगा, लेकिन जब आप टैक्स रेट बहुत ज़्यादा महंगी कर दोगे तो लोग टैक्स की चोरी कर देंगे, इससे आपका टैक्स रेवेन्यू घटने लग जाएगा। तो एक सीमा तक तो आपका टैक्स बढ़ेगा, अगर आपने टैक्स रेट बढ़ाई तो एक सीमा तक आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन और ज़्यादा अगर आप टैक्स रेट बढ़ाओगे तो धीरे धीरे कम होना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि लोग चोरी करना चालू कर देंगे, क्योंकि जब टैक्स रेट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगे तो लोग आपको उसको चोरी करना चालू कर देंगे। चिंता नहीं। तो इसलिए लॉफर वक्र का संबंध अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए किस में संबंध दिखाता है, तो टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में संबंध दिखाता है। ध्यान रखना, इसके बाद आता है सेस और सरचार्ज। ध्यान रखना, सेस विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये लगाया जाता है, और सेस है एक तरह से ये भी कर के ऊपरी होता है, और सेस की राशि जिस चीज़ की लगाई जाती है उसी चीज़ के लिए इसको खर्च किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ले भी कर सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। जबकि सरचार्ज है, इस सरचार्ज को सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और शेयर नहीं कर सकती। यानी कि सेस और सरचार्ज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वसूल की है तो उनको शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, सेस को लगाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, कुछ स्टेट गवर्नमेंटों ने लगाया भी है, और सरचार्ज को लगाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। दोनों केंद्र सरकार लगा सकती है, और सरचार्ज है उसको स्टेट नहीं लगा सकती, ध्यान रखना इसमें। हालांकि संवैधानिक प्रोविजन अपन देखोगे आर्टिकल 270 के अंतर्गत, तो उसमें शक्ति है, दोनों को लगाने की शक्ति संसद को दी, मतलब उसको दी गई है, लेकिन इस कई स्टेटों ने सेस को लगाया है, इसलिए सेस चार्ज है उसको स्टेट लगा सकते, ध्यान रखना। और दूसरी बात, सरचार्ज है वो भी कर पे करें, लेकिन सरचार्ज को आप मुख्य रूप से सरकार जब अतिरिक्त रेवेन्यू जनरेट करना हो तब सरचार्ज को सरकार लगाती है। और इसके बाद आता है प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर जो आपके निश्चित आय पर लगता है, निगम टैक्स ये प्रत्यक्ष करें, मैट ये प्रत्यक्ष करें, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसके बाद डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है जो शेयरों के ट्रांसफर पर या शेयरों से प्राप्त होने वाले लाभ से लगता है, जिसको हाल ही में सरकार द्वारा पोस्टपोन्ड कर दिया, समाप्त कर दिया गया है इसको। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन का मतलब आप शेयरों को हस्तांतरण करते हैं तो उस पर हर ट्रांजेक्शन पर आपको एक टैक्स देना पड़ता है। और कैपिटल गेन का मतलब है कि आपने कोई वस्तु खरीदी है उसमें आपको, जैसे मान लें एक व्यक्ति 2008 में किसी व्यक्ति कोई मकान का प्लॉट खरीदा, उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, 2020 में उसने बेचा है, उस टाइम उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई थी, हाँ, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट वैल्यू उसकी 50 लाख रुपए हो गई। तो इसने जो एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए का बेचा है, इस एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए पर इसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। उसे बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, तो उस फॉर्मूले के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा ये अप्रत्यक्ष कर है, इसमें आपको GST सबको पता है, GST है वो एक वैल्यू एडिशनल टैक्स है। इसमें एक होता है IGST। IGST मुख्य रूप से वस्तु और सेवा पर केंद्र द्वारा वसूला किया जाता है IGST को, और बाद में राज्यों को यूनियन टेरिटरी को इसको शेयर कर दिया जाता है। GST के बाद किन किन चीज़ों में ज़्यादा संशोधन हुए वो देख लो। एक तो 246 जो आया था हमारा, 246A जोड़ा गया था। GST आपको पता है 101वां अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया, और GST के अंतर्गत टारगेट था कि एक राष्ट्र एक टैक्स प्रणाली होनी चाहिए। पहले क्या है कि स्टेटों के पास विभिन्न प्रकार के टैक्स थे, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्स लेवें होती थी, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में अलग अलग राज्यों में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो अब क्या है, सबको मर्जिंग करके कुछ टैक्सों को उसमें बाहर रखा है, बाकी ज़्यादातर टैक्सों को GST के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, और इससे पूरे भारत में टैक्स रेट है वो एक जैसी हो गई। GST के अंतर्गत आपको पता है कि 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28। GST के अंतर्गत 5 स्लैब हैं, और इसके अंतर्गत सरकार ने कई संशोधन किए। 246A के अंतर्गत क्या बोला कि GST पर कर वसूलने का अधिकार राज्यों का है, परंतु IGST पर कर वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार का है, ठीक है ना। 269A में क्या है कि IGST के अंतर्गत केंद्र जो कर आए हैं उनका वितरण करने की रिकमेंडेशन, कितना परसेंटेज राज्यों को देना है उसकी रिकमेंडेशन GST काउंसिल करेगी, जबकि नॉर्मली करों के बीच में रिकमेंडेशन कौन करती है? वित्त आयोग। दूसरी बात, 270 में कहा गया है कि CGST के अंदर करों का विभाजन है वो वित्त आयोग करेगा,
और 279 ए में कहा गया है कि राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का काउंसिल का गठन करेगा। तो जीएसटी परिषद है वो आपको पता है कि वो संवैधानिक है, 279 ए में राष्ट्रपति द्वारा उसको स्थापित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता प्रधान वित्त मंत्री करते हैं और राज्यों के सभी वित्त मंत्री या राज्यों के वित्त भाग को वित्त जो विभाग है उसको संभालने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। और ध्यान रखना जीएसटी से संबंधित निर्णय लेने के लिए 75% वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसमें बैठक होने के लिए न्यूनतम 50% सदस्य होने चाहिए तब जाके इसकी बैठक होगी। और इसमें समस्त राज्यों को वोटिंग के पास कितना है, उनके पास 2/3 है और केंद्र के पास कितना है, 1/3 है, अर्थात राज्यों की बिना सहमति से जीएसटी में कोई निर्णय नहीं हो सकता, ठीक है। और जीएसटी टैक्स से बाहर रखे हैं आपको पता है कौन कौन से, कस्टम टैक्स से कस्टम ड्यूटी लगती है वो, पेट्रोल, शराब, एक्साइज ड्यूटी और इलेक्ट्रिकल जो चीज़ों पर लगने वाला टैक्स है उसको अभी इससे बाहर रखा गया है, समय आने पर इनको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब इसे क्या लाभ है ये फ्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दें। इसके बाद एक चीज़ और आई है इसमें, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग एजेंसी, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग एजेंसी है ये मुख्य रूप से इसी एक्ट जब जीएसटी लाया गया था तब इसी का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो जीएसटी परिषद है वो समय समय पर आपको बताया कि टैक्स स्लैब है उनको, जैसे कोई वस्तु पहले 12% टैक्स स्लैब में आती थी अब उसको घटा करके 5% टैक्स स्लैब में कर दिया, तो इसका उद्देश्य है कि अब ग्राहकों को भी 5% टैक्स स्लैब में मिले। लेकिन अगर कोई विक्रेता इसको अभी 12% में बेच करके अपना फायदा कमा रहा है तो उसको देखने की जिम्मेदारी किसके पास है, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग एजेंसी के पास है, ये मॉनिटरिंग करेगी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो पहले उसको वार्निंग देगी, अगर उसके बावजूद भी वो दोबारा इसी प्रकार का मतलब अपराध कर रहा है, दोबारा लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पहुँचाने दे रहा और दोबारा वो इसी प्रकार से जब जीएसटी ने टैक्स घटाया तो नहीं घटा रहा, तो उसका बाद में लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। तो उसके लिए मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि ग्राहकों को जो जीएसटी काउंसिल जो डिसीजन लेती है उसमें कटौती और वृद्धि सारे फायदे उनको मिलने चाहिए। इसके बाद जीएसटी नेटवर्क है जो जीएसटी का संपूर्ण डेटा ही रखता है, 2013 में इसको स्थापित किया गया था। जीएसटीएन है एक नंबर दिया जाता है जीएसटीएन जो 13 अंकीय नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं उसको। और जीएसटीएन नेटवर्क है वो गैर लाभकारी संस्था है, पहले इसमें क्या था कि सरकार की हिस्सेदारी 51% थी, लेकिन चूंकि इस नेटवर्क के पास बहुत ज़्यादा डेटा था तो डेटा की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने इसमें 100% अपनी हिस्सेदारी ले ली, प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी अब नहीं है इसमें। तो ये टैक्स था जिसमें थोड़ा सा इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए टैक्स के अंतर्गत, और फिर करंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई वह आपने पढ़ी रखी होंगी और हम भी संक्षिप्त में उनको देखेंगे एक बार। इसके बाद मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की अगर मैं बात करूं तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, मुद्रास्फीति का मतलब है कि इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो और मुद्रा की कीमत में कमजोरी होती है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। जैसे अगर मान लो 1 kg आलू 10 रुपये के आ रहे हैं और आलू महंगे हो गए अब 1 kg आलू 20 रुपये के आ रहे हैं, इसका मतलब आलू की कीमत तो बढ़ गई, पहले उसकी वैल्यू 10 रुपये थी आज उसकी 20 रुपये हो गई, लेकिन जो मुद्रा की पहली वैल्यू इतनी थी जो 10 रुपये में 1 किलो ले सकती थी आज उसको 10 रुपये में आधी किलो मिल रहा है, इसमें की मुद्रा की वैल्यू गिर जाए, इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब ये मांग वृद्धि भी हो सकती है, अगर लोगों ने वस्तुओं की मांग बढ़ा दी तो आपको पता है डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। और लागत वृद्धि है अगर कोई वस्तु में इनपुट चीज़ें जैसे मान लें समोसे का उदाहरण ले लो, समोचे में अगर आलू महंगा हो गया तो समोचे अपने आप महंगा हो जाएगा, तो समोचे की अपने आप कीमत बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन उसका अपने आप बढ़ जाएगा, तो आलू की वजह से समोचे की कीमत बढ़ी है इसको बोलते हैं इनपुट या लागत कॉस्ट इन्फ्लेशन, मतलब लागत कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन होती है। और अवस्फीति इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बहुत ज़्यादा गिर जाती है और मुद्रा की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये पूर्णतः अवस्फीति की स्थिति भी सही नहीं रहती और पूर्णतः मुद्रास्फीति की स्थिति भी सही नहीं रहती। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए सरकार आपको बताएं कि मुद्रास्फीति के दौरान सरकार मार्केट से पैसा संकुचित करती है, मतलब RBI और इसके अंतर्गत ये अवस्फीति के अंतर्गत मार्केट में पैसा बेचती है, इसकी अलग अलग दर के आधार पर उसको अलग अलग बोलते हैं। रैंक टू ई का मतलब है 3% तक अगर वृद्धि है इन्फ्लेशन में तो रैंक टू ई होगी, चलती हुई का मतलब है थोड़ी बहुत, ये विकासशील देशों के लिए सही रहती है, रनिंग ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बाद वस्तु बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो लोग एक टाइम के बाद डिमांड करना खरीद बंद ही कर देंगे तो और उसके बाद इकोनॉमी डाउन होने चालू हो जाएगी। और हाइपर इन्फ्लेशन ये तो इतनी ज़्यादा होती है इन्फ्लेशन कि जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले
वेनेजुएला या ग्रीस की कहानी सुनी होगी, उसमें देखा होगा कि वो उनकी मुद्रा की इतनी कमज़ोर वैल्यू हो गई थी कि एक बैग भर के अगर वो मुद्रा लेते जाते थे तो उनको एक चाय मिलती थी। तो उसका मतलब है कि मुद्रा की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। इसके बाद मुद्रा स्फीति के जो मापक है ये थोड़े प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, इनको एक बार देख लेना। मुद्रा स्फीति के मापक में अगर देखें तो तीन मापक हैं, WPI, CPI और IIP। WPI ये इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो डिप जारी करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसका नाम बदल दिया है। इसका नाम होगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, है ना, ये इसका नाम हो गया अभी, एंड मैनेजमेंट। और 2011 इसकी आधार वर्ष रखी गई है और इसमें तीन श्रेणियों को रखा गया है, तीन वस्तुओं की श्रेणी आती है। जैसे ये होगा होल सेल प्राइज इंडेक्स है, इसमें लगभग 687 वस्तुओं को होल सेल प्राइज इंडेक्स के अंतर्गत दिया जाता है। इसमें एक होती है श्रेणी फर्स्ट, तीन श्रेणी होती है इसमें, श्रेणी सेकंड और श्रेणी थर्ड। श्रेणी फर्स्ट में आती है प्राथमिक वस्तुएँ, श्रेणी सेकंड में आती है ईंधन वाली वस्तुएँ और श्रेणी थर्ड में आती है मैन्युफैक्चरिंग वाली वस्तुएँ। अगर इसमें इनके भार को देखें तो सबसे ज़्यादा भार होता है विनिर्माण वस्तुओं का, उसके बाद दूसरे स्थान पर होता है प्राथमिक वस्तुओं का और तीसरे स्थान पर होता है ईंधन वाली वस्तुओं का। इनके आधार पर हम WPI निकालते हैं। हेडलाइन WPI का मतलब है समस्त वस्तुओं की इन्फ्लेशन देखते हैं, और कोर WPI का मतलब है कि आप इसमें से फूड और फ्यूल है इसकी इनकी इन वस्तुओं को हटा दो। रीज़न क्या है कि फूड और फ्यूल ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती रहती हैं, इसलिए उससे हम एक्चुअली कितनी इन्फ्लेशन हुई है उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो कोर भी WPI वो ज़्यादा स्थिर होगी बजाय हेडलाइन WPI से, क्योंकि हेडलाइन WPI में फूड और फ्यूल दोनों शामिल होंगे और फूड और फ्यूल दोनों शामिल होने की वजह से इसमें फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहेगा, जबकि कोर में ये दोनों शामिल नहीं होंगे इसलिए इसमें फ्लैक्चुएशन ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया होल सेल प्राइज इंडेक्स। इसके बाद आती है कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स। इसमें आपको पता है कि 6 वस्तुएं इसमें शामिल होती है, उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तु शामिल होती है, लेकिन एक होती है खाद्यान्न, आवास, ईंधन, कपड़े, तंबाकू और विभिन्न। सबसे ज़्यादा भार इसमें खाद्यान्न का होता है, उसके बाद आवास का, उसके बाद ईंधन का। और इसमें भी वही है, हेडलाइन में क्या है समस्त वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तब CPI निकाली जाती है, तो हो गया हेडलाइन CPI। और कोर CPI का मतलब है जब उसमें से फूड और फ्यूल को हटा दिया जाए, कोर ज़्यादा स्थिर रहेगी क्योंकि इसमें से फूड और फ्यूल जिनकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है उसको हटा दिया जाए। तो ये इन्फ्लेशन में आपको चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद आता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये मुख्य रूप से हमारे जो 8 कोर इंडस्ट्री है उनकी जारी की जाती है, और आपको पता होना चाहिए 8 कोर इंडस्ट्री हमारी कौन कौन सी है, तो कच्चा तेल, रिफाइनरी, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, इस्पात, सीमेंट, कोयला, विद्युत। ये सारे हैं भारत की 8 कोर इंडस्ट्री है और इनकी इंडेक्स जारी की जाती है, और इसकी इंडेक्स आपको पता है जारी करने वाली संस्था है CSU है, 2011 इनका भी आधार वर्ष है, ठीक है। ये तो नॉर्मल आपको CPI WPI है, लेकिन चीज़ ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए सवाल कैसे पूछेगा, इनका डायरेक्ट नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा कि WPI CPI क्या होती है, आपसे सवाल इनको रिलेटेड करके पूछेगा कि अगर मान लें कि विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो WPI बढ़ेगा या CPI बढ़ेगा, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि WPI है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि विनिर्मित वस्तुओं में विनिर्मित वस्तुओं का भार है वो WPI में ज़्यादा होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि यदि मार्केट में खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है तो CPI ज़्यादा बढ़ेगा या WPI ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस टाइम CPI ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि खाद्यान्न वस्तुओं का सबसे ज़्यादा भार है वो CPI में होता है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर और इसको मापें तो मुद्रास्फीति के मापन की गणना के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होती है इसकी औसत विधि और एक होती है इसकी बिंदुदर बिंदु विधि। औसत विधि में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है I2 - I1 / I1 × 100। अब ध्यान रखना, I2 का मतलब है करंट ईयर और I1 का मतलब ये है लास्ट ईयर। जैसे किसी वस्तु की कीमत करंट ईयर में 80 रुपये है मान लेते हैं, लास्ट ईयर उसकी कीमत थी 60 रुपये और उसकी मतलब लास्ट ईयर और उसका ये 60, तो ये हो गया कितना 20/60 × 100, यानी 33% का उनका इन्फ्लेशन हो गया। तो वो औसत विधि से देखते हैं, इसमें केवल करंट ईयर और लास्ट ईयर आती है। बिंदुदर बिंदु विधि है, इसका फॉर्म होता है I2 - I1 / I0 × 100, यानी कि I2 हो गई आपकी करंट ईयर, I1 में हो गई आपकी लास्ट ईयर और I0 होगी आपकी आधार ईयर। इससे रियलिटी में आपकी कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है वो इससे निकलती है बिंदुदर बिंदु विधि से, क्योंकि बेस ईयर आपको बताएगी
बेस ईयर मैंने आपको बताया था कि बेस ईयर वो है ईयर होती है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत है वो फ्लैक्चुलेट ज़्यादा नहीं होती, वो बैलेंस में रहती है। तो उससे ही पता लगता है कि रियलिटी में आपका उत्पादन बढ़ा है या आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो इसलिए बेस ईयर को आधार बना करके हम मुद्रास्फीति को चेक करते हैं। बेस इफेक्ट क्या होता है कि आधार वर्ष को छोड़कर मूल्य ज्ञात करना, अर्थात पिछले आधार वर्षों के मूल्य ज्ञात करना। जैसे कि मैंने बताया था कि आधार वर्ष आपका 2011-12 है और आपको मूल्य ज्ञात करना है 2008-09 का, तो हो गया बेस इफेक्ट। उससे भी आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना इन्फ्लेशन डाउन हुआ है, अप हुआ है, उसका आधार पर। तो ये जो चीज़ थी थोड़ी सी शब्दावली थी और बाकी आपने करंट में चीज़ें देख रखी होंगी। तो जितना बेसिक एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हो पाया वो हमने इसके अंतर्गत किया। अब इसके बाद हमारा थोड़ा सा करंट में से लेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, शब्दावलियाँ होंगी, जहाँ से सवाल आने की संभावना रहेगी। बाकी आपको बेसिक चीज़ें आप इसमें मिल चुकी है और इसी के साथ हम बेसिक इकोनॉमिक्स को ख़त्म करते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें हम करंट में देखेंगे, उनका अभी वीडियो आपको बना के दिया जाएगा ताकि आपका कोई शेष ना बचे। और इसी के साथ हम इसी को यहीं समाप्त करते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आया, जल्दी बोली हो तो उसको स्पीड धीमे कर देना, और अगर वैसे भी आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप आसानी से उसको पूछ सकते हैं, लेकिन अच्छे से पूछ लेना, डाउट में मत रहना। और इसी को यहीं क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू। और आप इसको इतना ही पढ़ो, और आपने सभी ने पढ़ रखा होगा इसका, इतना रिवीजन करना ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। और इकोनॉमिक्स के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं हर एग्जाम में, और दूसरी बात समझदारी के सवाल आते हैं, इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझना है। अगर आप समझ गए तो आप सवालों कर सकते हो। और दूसरी बात, इसमें सवाल डायरेक्ट भी नहीं आते, आपसे घुमा के पूछेंगे। जैसे मान लेंगे, एक एग्जाम्पल दे दिया आपसे कि हाल ही में सरकार द्वारा LIC है उसकी हिस्सेदारी बेची जा रही है, तो इस प्रकार की सरकार को जो प्राप्ति होंगी कौन सी प्राप्ति होंगी, तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि बेच रही है तो इसका मतलब सरकार का वो कम हो रहा है, तो वो सरकारी कौन सी होगी, पूंजीगत प्राप्ति होंगी। तो इतना ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान करते हुए चलना है। और इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।